हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं और हम क्या ऐसा करें ताकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगे, वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाए ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों में भूख की कमी का, वो है फिज़िकल एक्टिविटी की कमी। आजकल के बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम बीतता है उनका मोबाइल और फ़ोन टीवी के सामने, वो ज़्यादा टाइम पे बैठे रहते हैं तो उनकी एनर्जी यूज़ ही नहीं हो रही, तो फिर उन्हें भूख क्यों लगेगी। अगर मैं पहले के टाइम पे बात करूँ, हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारे लिए खेलना कूदना, भागना दौड़ना, पेड़ पे चढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन थी। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमें भूख भी लगती थी और हम ज़्यादा खाना खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ज़्यादा टाइम उनका घर के अंदर बीतता है, हम उन्हें ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, कहीं उन्हें गर्मी लग जाएगी, कहीं वो गिर जाएंगे, तो ये सारे रीज़न की वजह से बच्चे खेलने कूदना उनका बहुत ही कम है, इसलिए उनके अंदर भूख की कमी है। तो आपको ज़रूरत है आपके बच्चों का जो खेलने का टाइम है, जो पार्क का टाइम है, उनको थोड़ा 15-20 मिनट इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि उनकी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो और ज़्यादा एनर्जी उनकी बॉडी उनसे डिमांड करे और ऑटोमेटिकली उनके अंदर भूख बढ़ेगी। दूसरा जो रीज़न है वो है दूध की क्वांटिटी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमें उनका दूध थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। लेकिन हमारे साथ क्या है, बच्चा जो पहले दूध पीता था, जैसे छोटा था तब जैसे दूध पीता था दिन में 3 या 4 टाइम, वो अभी उसका वो कंटिन्यू ही है और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों का पेट अगर दूध से भर रहा है तो फिर वो खाना क्यों खाएंगे। ऑफकोर्स दूध हेल्दी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ हेल्दी चीज़ें भी ले जाए तो वो कोई हेल्थ बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं देंगे। उल्टा बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध अगर आपका बच्चा पी रहा है तो उसको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन, पेट में गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो दूध की क्वांटिटी को आप कम कर दें, दिन में सिर्फ 2 टाइम ही दूध दें अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है। दूध की जगह पे आप दही पनीर वगैरह ऐड करके आपके बच्चों की बॉडी में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी नहीं होने से रोक पाएंगे। तो दिन में अगर आपका बच्चा सिर्फ 2 टाइम या 1 टाइम दूध पीता है तो बाकी के टाइम में ऑटोमेटिकली उसकी भूख बढ़ेगी और वो आपसे खाना डिमांड करेगा। तीसरा जो रीज़न है वो है बच्चे खाने से पहले अगर पानी पी लेते हैं तो फिर उनकी भूख शांत हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली कम खाना खाएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम खाने से 15-20 मिनट पहले ग्लास भर के पानी पी लेंगे तो फिर हम भी कम खाना खा पाएंगे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा खाने से पहले पानी तो नहीं पी रहा, या फिर खाने के बीच में अगर बच्चा बार बार पानी पी रहा है तो फिर वो कम खाना खाएगा। तो अगर बच्चे को पानी चाहिए ही खाने के साथ, तो आप पानी की जगह पे छाछ बच्चे को दे सकते हैं। छाछ जो है वो बच्चे में डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, खाना खाने को पचाने में मदद करेगी छाछ, तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख और ज़्यादा इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा खाना खाएगा। तो पानी को आपको बिल्कुल भी स्टॉप करना चाहिए, या फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत ही कम, 1 या 2 सिप ही पानी पी खाने से पहले, अगर वो उसे पीना ही है तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चों में भूख की कमी का। चौथा रीज़न जो है, अगर बच्चों की बॉडी में आयरन की कमी होती है तो भी उन्हें भूख कम लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स बच्चों की डाइट में ऐड करें। विटामिन सी वाले फ्रूट जो हो गए, लेमन हो गया, टमाटर, कीवी वगैरह, और दही में भी बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो ये जो फूड होते हैं ये बच्चों की बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चों में भूख बढ़ेगी। तो ऐसे फूड भी आपको बच्चों के डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। पांचवा रीज़न है, अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो भी बच्चे खाना नहीं खाएंगे, उनको ऑटोमेटिकली भूख कम लगेगी। तो आपके बच्चा भी अगर आपको बार बार पेट दर्द का बता रहा है या फिर उसको उसके पॉटी वाले एरिया पे खुजली हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि कहीं उसके पेट में कीड़े तो नहीं। आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर बच्चों के पेट में कीड़े होंगे तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी ट्रीटमेंट के बाद बच्चों की भूख ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एंड अगर आपका बच्चा कम खाना खाता है, उसके डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप
उसके लिए जो भी सब्जी वगैरह बनाए उस टाइम पे आप जीरे और राय के साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ अजवाइन उसके अंदर ऐड कर सकते हो, और पिंच ऑफ हींग, एक चुटकी भर अजवाइन और एक चुटकी भर हींग आप अगर ऐड करेंगे तो ये दो जो चीज़ है, अजवाइन और हींग, ये आपके बच्चों की बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, उनकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिसकी वजह से बच्चे में भूख बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें आप बच्चों की सब्जी बनाते टाइम, तड़का लगाते टाइम ऐड करके आपके बच्चों की अंदर भूख को इनक्रीज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये खाने का टेस्ट भी एनहांस करेंगे। तो ये कुछ रीजंस है आपके बच्चों में भूख ना लगने के पीछे क्या। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में भूख बढ़ेगी, वो ज़्यादा खाना खाएंगे और उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें, ताकि आगे भी और ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।